पिछले कल तक जो है 16 बॉडियां मिल चुकी हैं। नंबरिंग है वो 20 की है और 4 लोग अभी इसमें बाकी हैं। पानी के प्रेशर के माध्यम से अलग करके देख रहे हैं, कहीं संभावना है बॉडी मिल जाएगी। इसमें एक तो आर्मी के हैं, इंजीनियर्स के हैं, अपने SDRF है, NDRF है और हमारे स्थानीय जो लोग हैं वो सब इसमें लगे। अभी हमारा ये पिछले कल तक जो है 16 बॉडियां मिल चुकी हैं और अभी जो हमारी एग्जैक्ट जो नंबरिंग है वो 20 की है और 4 लोग अभी इसमें बाकी हैं। हाँ, तो आज 5वें दिन हो गया फिर मैनुअली ऑपरेशन करना जरूरी है इसमें, क्योंकि इसमें अगर मशीन वगैरह को लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी इसमें, क्योंकि आप देख रहे हैं काफ़ी वेरी स्लोपी एरिया है और मड इतना गहरा है उसको निकालना मतलब बहुत टफ है, और कोई बॉडी अगर कहीं लोकेट करनी भी है तो बड़ी मुश्किल सा काम है। तो अभी सारी कौन-कौन सी अभी आर्मी है? हाँ, ये आज हमारे पास लगभग 350 के करीब लोग हैं, अभी आप देख रहे हैं आर्मी, हाँ रेस्क्यू वाले, और हमारे हाँ 101 लोग हमारे अपने स्थानीय लोग भी हैं, है ना, सब मदद कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, जो इन्होंने प्लान बना रखा है कि हम छोटी छोटी टुकड़ियाँ बनाएंगे, उस टुकड़ों को जाकर जहाँ जहाँ मलबा दिख रहा है उसका, तो उस वहाँ को खोदेंगे तो कोई सफलता हासिल होगी। क्या लगता है कि अभी 90% आपके? हाँ, नहीं, अभी इसमें ऐसा कि एक तो मौसम भी रुका है, आप देख रहे हैं बारिश कम हो रही है, तो इसमें आज हमें पूरी उम्मीद है कि लोग हमको मिलने चाहिए आज, तो इस आस के साथ हम, इस मंशा के साथ हम काम करेंगे आगे बढ़े। इसमें एक तो आर्मी के हैं, इंजीनियर्स के हैं, अपने SDRF है, NDRF है और हमारे स्थानीय जो लोग हैं वो सब इसमें लगे हैं, पुलिस के जवान इसमें मौजूद हैं और फायर का भी इसमें अहम रोल आ रहा है। सिचुएशन ये है कि आज 6वां दिन चल रहा है, शुरू है, अभी 6वां दिन है, तो अभी तक कल तक 16 बॉडी रिट्रीव कर चुके हैं। अब 20 की जो रिपोर्ट थी उसमें 4 के अभी चल रही है सर्च जो है। आज नीचे जो यहाँ हमने लास्ट 2 किलोमीटर तक सर्च कर लिया था, वहाँ बिल्कुल बॉडी पार्ट कुछ एक जगह दो जगह मिले थे, बाकी वो बॉडी तो नहीं मिली, लेकिन ऊपर हमने ये है कि अब कम से कम 5 से 6 फीट गहरा कर जितना मलबा है पूरी तरह से मैनुअली NDRF की टीम, SDRF टीम और आर्मी की टीमें साथ में लगेगी, उसको डिगिंग करके और पानी के प्रेशर के माध्यम से अलग करके देख रहे हैं कहीं संभावना है बॉडी मिल जाए कहीं। तो कितनी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये मंड बहुत आ गई है, मिट्टी जो है अब मशीनरी से तो जा नहीं सकती बड़ी। हाँ, मैनुअली ही हो पा रहा मशीनरी, क्योंकि जा नहीं सकती, ये तो बहुत ज़्यादा स्टीप है वो, और दिक्कतें हैं, और दिक्कतें ये हैं कि उसमें आपको काम करने में मड का पता नहीं है कि मड कहीं 6 फीट भी गहरा है, कहीं 8 फीट के ऊपर जो है मलबा चढ़ा है, तो पूरा उसको रिमूव करने में, और उसमें पत्थर भी हैं, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े भी हैं और सरिया भी है और स्लैब्स भी हैं, तो प्रॉब्लम्स तो है ही हैं, और उसमें चैलेंजेस जो हमारे लिए हैं वो तो है ही हैं।